मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम मलसीसर तहसील परिसर के सामने बने राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड में जुड़ चुके हैं, जहां भाजपा के नेता और पूर्व प्रधान गुरदारी लाल खीचड़ को गिरफ्तार किया गया था कुछ दिन पहले। उसके विरोध में एसडीएम और थानाधिकारी के तथा क्षेत्रीय विधायक रीटा चौधरी के विरोध में भाजपा के नेता एकजुट हुए हैं और मंच पर विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र के जाने माने नेता और राजनीति में विपक्ष में उप प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी इस समर्थन में, इस सभा के समर्थन में यहां पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित है और गिरधारी लाल खीचड़ के समर्थन में ये जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। सूरजगढ़ की घटना या पूर्व सांसद बता के गई है, क्या यही लोकतंत्र है? क्या सरकार कांग्रेस की है? क्या सरकार राजस्थान की आवाम की नहीं है? क्यों लिखते हो राजस्थान की सरकार? लिख दो सब जगह पर, सारे दफ्तरों में लिख दो कांग्रेस के नए, राजस्थान की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान का कोई हद होती है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये पहली घटना नहीं। आपने समाचार पत्रों में आज पढ़ा होगा, भरतपुर के अंदर हमारी दलित सांसद है, दलित सांसद ने कोरोना के अंदर आवाज उठाई, भरतपुर के हॉस्पिटल के अंदर मरीज मर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने वेंटिलेटर भेजा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों भेज दिए? उसके बाद उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। एक बार हमला हुआ, दूसरी बार फिर हमला हो गया। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जिस राज्य के अंदर, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने वाली हमारी दलित सांसद सुरक्षित नहीं। आपने देखा होगा अमृता मेघवाल, हमारी पूर्व विधायिका, जयपुर में उसके साथ छेड़छाड़ होती है, वो विरोध करती है, बदमाश पीछे लगते हैं और उसके साथ अपमानित करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र का चीरहरण चलेगा नहीं। ये चीरहरण के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। मुझसे पहले बहुत सी बातें हुई, मैं समझता हूं कि आपने कहा था गहलोत साहब हम सुशासन देंगे, इनके सुशासन की पोल तो अभी जो हर साल नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसने खोल दी। प्यार दिया सदैव आपका प्यार और ये जो सम्मान देते हैं ये आप सबका दिल की गहराइयों तक छुपा नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोग हैं कि कहते हैं कि प्रधान ने ऐसा क्या काम कर दिया। आप जितने यहाँ पधारे थे आप सबको पता चल गया होगा मंच के माध्यम से कि किसने क्या किया। और मेरा फोन यदि सर डिलीट नहीं करते तो आपको पूरी तस्वीर सामने आ जाती, लेकिन थोड़े समय में आपके सामने वो तस्वीर आएगी और आप इतनी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।